अब नेक्स्ट इस सेशन में जस्ट स्टार्ट करेंगे कंप्लीटली न्यू टॉपिक अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस में डायरेक्टली एक्सप्लेन करके सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा रिलेटेड टू अदर पॉइंट्स, देन फाइनली डिस्कस करेंगे अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी शुड हैव और व्हाई वी शुड रिक्वायर्ड मेमोरी एलोकेशंस किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में। जस्ट मेमोरी एलोकेशन रिक्वायर्ड क्यों होता है, मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो एलोकेशन क्या रिक्वायर्ड, जस्ट स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन और वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज। मीन्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हो, डेटा मीन्स सम इनपुट डेटा और मे बी आउटपुट डेटा, देन इस डेटा को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम मेमोरी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स स्पेस को एक्सेस कैसे करते हैं, यूजिंग वेरिएबल्स। अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट किए थे सभी केसेस में एलोकेशन किस फॉर्म में कराया था, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स और इन द फॉर्म ऑफ एरे। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टू नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम ना दे, देन टू नंबर के ऐड करने के प्रोग्राम्स के रिस्पेक्ट में इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, टू इनपुट्स, तो टू इनपुट्स लाइक एक्स और वाई, मीन्स 10 और 20 किसी नंबर को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड किया गया सम मेमोरी स्पेस, तो मेमोरी स्पेस इनपुट्स को स्टोर करने के रिगार्डिंग में जस्ट रिक्वायर्ड किया हुआ मेमोरी एलोकेशन। सेम अगर कोई रिजल्ट जनरेट हो तो रिजल्ट को भी स्टोर करने के लिए फर्दर रिक्वायर्ड किया हुआ सम मेमोरी स्पेस। तो मीन्स जस्ट डेटा और इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, मेमोरी स्पेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्लियर, मेमोरी एलोकेशन के प्रोसेस के केस में बात करें, जस्ट मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस टू टाइप से कंप्लीट करना है, फॉलो करना पॉसिबल है, आइदर बाय यूजिंग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और बाय यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स कंप्लीट किए थे सभी प्रोग्राम्स में फॉलो किया था ऑलवेज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस। देन जस्ट करंट टॉपिक ऑनवर्ड्स स्टार्ट क्या करना चाहते हैं, अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जस्ट रिक्वायरमेंट क्यों है, इसका पर्पज क्या है, और इज द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जबकि आपके पास ऑलरेडी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस अवेलेबल था। सबसे पहले मैं इस केस में हाईलाइट करूंगा लिमिटेशंस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देन ओवर द एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। फाइनली लिमिटेशन और एडवांटेज डिस्कस करने के बाद देन दोनों ही प्रोसेस में वन बाई वन काफी डेप्थ में डिस्कस करूंगा। वन मोर थिंग्स, आपके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का इंटरनल प्रोसेस क्लियर है देन आपके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस डेप्थ में समझना पॉसिबल होगा। क्लियर, मैं रिकमेंड करूंगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से जस्ट पहले आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना चाहिए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को स्किप कर दो देन आपके लिए कहीं ना कहीं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपको प्रॉब्लम फील करना पड़ेगा। क्लियर, फर्स्ट वन किसी प्रोग्राम्स के केस में जस्ट मैं दोनों ही अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, यूजिंग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। फॉर एग्जांपल करंटली मेमोरी एलोकेशन की बात करें, मेमोरी एलोकेशन जस्ट परफॉर्म किस प्लेस पर होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस प्लेस पर होता है, इनसाइड रैम और इनसाइड हार्ड डिस्क, इनसाइड रैम। तो मेमोरी एलोकेशन भी किस प्लेस पर परफॉर्म, इनसाइड रैम। सपोज दैट रैम के केस में करेंटली 400 बाइट्स अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल बाइट्स कितने, देर आर 400 बाइट्स इन फोर, मीन्स टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है 400 बाइट्स। देखने से एक सिंगल ब्लॉक की बात करें, एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है, मीन्स ईच ब्लॉक हैविंग 100 बाइट्स, तो टोटल फोर ब्लॉक्स हैं, इसलिए टोटल साइज कितना हुआ। मैं करंटली ओनली फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ, रिमेनिंग प्लेस आप एज्यूम करोगे या रिजर्व्ड, ओनली फ्री स्पेस कितना है करंटली रैम के अंदर, ओनली 400 बाइट्स। तो इस केस में एक प्रोग्राम को लॉजिकली इंप्लीमेंट करें, सेम प्रोग्राम पहले मैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, सेम एज अगेन अकॉर्डिंग टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। उस केस में आपको खुद ही समझ में आया व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्लियर, देन इस प्रोसेस को फिनिश करने के बाद हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड फाइनली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्रिएट क्या कर रहे हो सम प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम के अंदर टोटल 1000 स्टेटमेंट्स अवेलेबल, सम प्रोग्राम्स हैविंग 1000 स्टेटमेंट। क्लियर, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं 1000। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में जस्ट मैं फॉलो क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किसी भी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या होता है, या अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट किए तो प्रोग्राम के अंदर मेमोरी एलोकेशन का परफॉर्म होता है वेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड लॉक। फॉर एग्जाम्पल सिंपल केस, वी आर इंप्लीमेंटिंग सम मेन फंक्शन,
मेन फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया लाइक इंटीजर एक्स, क्लियर, सम स्टेटमेंट, अगेन वन मोर इनर ब्लॉक, इसे इनर ब्लॉक में मैंने अगेन डिफाइन किया गया वन मोर वेरिएबल एस वाई, इन दैट केस किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करें, किसी वेरिएबल के लिए जनरली मेमोरी एलोकेशन का परफॉर्म होता है व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड ब्लॉक, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ इमीडिएटली परफॉर्म किया हुआ मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स, लेकिन अभी कंट्रोल का है आउटर ब्लॉक, इसके साथ मेमोरी एलोकेशन किसके लिए परफॉर्म हुआ, ओनली फॉर वेरिएबल एक्स। सिमिलरली वाई के लिए मेमोरी स्पेस कब एलोकेट होगा, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल इनर ब्लॉक में एंटर हुआ, क्लियर। देन वाई का डी एलोकेशन कब होता है, किसी भी वेरिएबल्स के लिए डी एलोकेशन कब परफॉर्म होता है, व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज आउटसाइड ब्लॉक, तो इसके साथ डी एलोकेशन किसके लिए हो, वाई के लिए, सेम है जब कंट्रोल आउटर ब्लॉक से बाहर सेंड होता है डी एलोकेशन किसके लिए हो रहा है, वेरिएबल एक्स। तो इसके साथ एक्स और वाई की बात करें तो एक्स और वाई के लिए जस्ट एलोकेशन टाइप क्या था, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। फाइनली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस में किसी भी वेरिएबल के लिए प्रोग्राम के लिए एलोकेशन का परफॉर्म होता है व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड ब्लॉक। सिमिलरली डी एलोकेशन विल बी परफॉर्म व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज आउटसाइड ब्लॉक, सेम केस इस प्रोसेस में फॉलो करेंगे, ये हैविंग सम मेन फंक्शन। इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग में इनिशियली मुझे रिक्वायर्ड किया सम इंटीरियर एरे विद 150 एलिमेंट्स, क्लियर। ये सबसे पहले इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल मुझे 150 स्टूडेंट्स के रोल नंबर इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना है या सिंपली जस्ट ग्रेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना है, स्टोर कराना है, उसके इसमें टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, लोकेशंस कितने रिक्वायर्ड, 150 लोकेशंस, 16 बिट सी कंपाइलर में जस्ट इंटीजर का साइज क्या 2 बाइट, तो इसे एरे के केस में टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 300 बाइट्स। तो इनिशियली इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में कितने बाइट्स रिजर्व्ड हो जाएंगे, 100 बाइट्स के कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, इसके इसमें 3 ब्लॉक्स, दिस ब्लॉक इज लॉजिकली कंसीडर्ड एज रिजर्व्ड, दिस वन इज ऑल्सो रिजर्व्ड, दिस वन इज ऑल्सो रिजर्व्ड, लेकिन स्पेस अभी भी कैसा, स्टिल फ्री। मीन्स इसे एरे के क्रिएट होने के बाद जस्ट अभी भी रैम के अंदर अवेलेबल स्पेस कितना है, ओनली 100 बाइट्स, क्लियर, और रिजर्व्ड स्पेस कितना है, जस्ट 300 बाइट्स। लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने टोटल स्टेटमेंट कितने हैं, जिनके देर आर 1000 स्टेटमेंट। इसे एरे के केस में मेमोरी कब एलोकेट होगा, व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कम्स इनसाइड ब्लॉक, से हमें डी एलोकेशन कब परफॉर्म होगा, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड होगा। मीन्स फाइनली इस केस में एरे के लिए एलोकेशन कब तक है, होल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मेन फंक्शन, जब तक मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन होगा तब तक परफॉर्म क्या रहेगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर ए और रिजर्विंग मेमोरी स्पेस, कितने बाइट्स रिजर्व हुए इस केस में, जस्ट 300 बाइट्स। बट सपोज दैट इसके अंदर टोटल स्टेटमेंट कितने 1000, लेकिन इसे एरे की मुझे रिक्वायरमेंट कब तक है, अप टू स्टेटमेंट 50, मीन्स स्टेटमेंट 50 के बाद जस्ट मुझे इसे एरे की कहीं कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसे पर्टिकुलर एरे को यूज कब तक किया, अप टू स्टेटमेंट 50, मीन्स पर्टिकुलर 300 बाइट्स स्टेटमेंट 1 से लेकर आपने यूज कब तक किए, अप टू स्टेटमेंट 50। लेकिन अगर इनसे मेमोरी स्पेस की बात करें तो डी एलोकेशन कब परफॉर्म हुआ इस केस में एरे का, जस्ट आफ्टर स्टेटमेंट 50 और आफ्टर क्लोजिंग ब्लॉक, आफ्टर क्लोजिंग ब्लॉक, जस्ट अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि एलोकेशन कब होगा, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक में एंटर हो रहा है। सिमिलरली डी एलोकेशन कब परफॉर्म हो रहा है, व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज आउटसाइड ब्लॉक। इस केस में ये पर्टिकुलर स्पेस आपको रिक्वायर्ड कब तक था, अप टू स्टेटमेंट 50, लेकिन मेमोरी स्पेस रिजर्व्ड कब तक है, अप टू स्टेटमेंट 50 और अप टू स्टेटमेंट 1000, दिस इज द यूज्ड केस, दिस इज रिजर्व्ड केस, क्लियर। मीन्स रिजर्वेशन कब तक रहेगा इस स्पेस का, अप टू स्टेटमेंट 1000, रिक्वायरमेंट कब तक थी, अप टू स्टेटमेंट 50, मीन्स स्टेटमेंट 50 के बाद, अगेन मैंने कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए लाइक स्टेटमेंट 51 और सम अदर, आफ्टर स्टेटमेंट 1000 सपोज दैट अगेन मुझे फर्दर रिक्वायर्ड क्या है, सम फ्लोट टाइप ऑफ एरे, जस्ट बेसिक आइडिया डिस्कस करा, नॉट अ एक्चुअल थिंग्स। इस सपोज दैट फ्लोट एरे याद रखना डायरेक्टली क्रिएट करना पॉसिबल नहीं, इसको भी एलोकेट क्रिएट किस फॉर्म में कराओ, इन द फॉर्म ऑफ सम इनर ब्लॉक लाइक दैट, क्लियर। हालांकि इस प्रॉब्लम जो भी मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ उसके कई सारे सॉल्यूशन है, लेकिन इस प्रॉब्लम में इस टाइप से या इस लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, क्लियर। इन दैट केसेस केस में जस्ट मैंने अगर अगेन स्टेटमेंट 100 के बाद रिक्वायर्ड किया फ्लोट टाइप ऑफ एरे, लेकिन इसे एरे के अंदर मुझे एलिमेंट्स कितने रिक्वायर्ड है, 100 एलिमेंट्स। आपको पता है इस केस में सिर्फ किसी फ्लोट एरे की बात करें, दिस इज द
स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट 1000 लाइक दैट। फ्लोट एरे की बात करें, फ्लोट एलिमेंट की बात करें, सिंगल फ्लोट कितने बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स। तो 100 फ्लोट एलिमेंट के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है? 400 बाइट्स। चेक कर सकते हो स्टेटमेंट में से 300 स्पेस आपने यूज कब तक किया था, आपके लिए रिक्वायर्ड कब तक था? अप टू स्टेटमेंट 50, इसके बाद कहीं भी आपके लिए रिक्वायर्ड है क्या? देयर इज नो नीड। लेकिन स्टेटमेंट 100 के बाद अगर आप फ्लोट एरे क्रिएट करने के लिए ट्राई करोगे तो इसके साथ फ्लोट एरे के लिए एलोकेशन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। रीजन, क्योंकि करेंटली रैम के पास अवेलेबल स्पेस कितना? ओनली 100 बाइट्स। और ऐसे एरे के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड स्पेस कितना? 100 बाइट्स और 400 बाइट्स फाउंड हो रहे हैं क्या? नॉट पॉसिबल। मीन्स फिजिकली इस केस में 100 बाइट्स हैं, लेकिन लॉजिकली चेक करो, लॉजिकली इस केस में सारे के सारे बाइट्स कैसे हैं? अवेलेबल आफ्टर स्टेटमेंट 50। मीन्स स्टेटमेंट 50 के बाद इस स्पेस को आप कहीं भी फर्दर यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। मीन्स फिजिकली एलोकेटेड है, रिजर्व्ड है, लेकिन रियल केस में स्पेस कैसा है? यूज्ड और अनयूज्ड? अनयूज्ड। जब अनयूज्ड है तो फिर भी इस केस में इसको रिजर्व क्यों कर रखा है? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में जस्ट बेसिक लिमिटेशन क्या है? एक बार मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया प्लस इस स्पेस को यूज करने के बाद आपके लिए कभी भी मैनुअली इसको डी एलोकेट करना पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। मीन्स जस्ट स्टेटमेंट 50 के बाद आपको स्पेस रिक्वायर्ड ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए डी एलोकेट करना पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का बिग लिमिटेशन क्या है? इसको कभी मैन्युअली डी एलोकेट करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये डी एलोकेट करना पॉसिबल हो यानी पूरा का पूरा स्पेस कैसा हो जाएगा? अनरिजर्व्ड। देन अगेन फर्दर नेक्स्ट डायरेक्टली एलोकेशन पॉसिबल हो जाएगा। मीन्स स्पेस लॉजिकली अवेलेबल लेकिन फिजिकली फाउंड नहीं हो रहा। क्लियर? रीजन, क्योंकि एक बार आपने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल एलोकेशन करा लिया, देन जब तक इस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता तब तक स्पेस कैसा रहे? रिमेंस रिजर्व्ड। चाहे आप इस प्लेस को यूज करो या ना करो, नथिंग। क्लियर? डजंट मैटर। देन सेम के सब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके लिमिटेशंस क्या है? एक बार आपने मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लिया, देन स्पेस को आप यूज करो या ना करो, मीन्स फिर भी स्पेस फिजिकली कैसा रहेगा? रिमेंस रिजर्व। अगर फर्दर किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सब केसेस में अगर आपको डी एलोकेशन रिक्वायर्ड है, डी एलोकेशन परफॉर्म करना पॉसिबल? डी एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल इन मैन्युअली। मीन डी एलोकेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो वेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज आउटसाइड ब्लॉक। क्लियर? अब सेम केस में हाईलाइट कर रहा हूं यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन केस में मेमोरी स्पेस को एलोकेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? एट एनी टाइम। मीन्स इस केस में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में मेमोरी एलोकेशन का परफॉर्म होता है व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज आउट इनसाइड ब्लॉक। सेम एज मेमोरी डी एलोकेशन का परफॉर्म हुआ व्हेन एवर एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज आउटसाइड ब्लॉक इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स इस केस में कुछ मैनुअली परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस के केस में बात करें, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन केस में मेमोरी एलोकेशन का परफॉर्म हुआ यूजिंग मैलॉक एट एनी टाइम। मीन्स जिस प्लेस पर आप मैलॉक फंक्शन कॉल करोगे या कैलॉक कॉल करोगे देन एलोकेशन कराना पॉसिबल है। प्लस मैलॉक और कैलॉक को जरूरी नहीं कि ब्लॉक के टॉप में ही कॉल होना चाहिए, मीन्स किसी भी प्लेस पर कॉल करना पॉसिबल है। सेम एज मैनुअली एनी टाइम डी एलोकेशन भी पॉसिबल होता है बाई यूजिंग फ्री फंक्शन। मीन्स एट एनी टाइम एलोकेशन कराना भी पॉसिबल है, एट एनी टाइम डी एलोकेशन भी करना पॉसिबल इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सेम प्रोसेस में हाईलाइट करें यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। करंट इस केस में कितने इंटीजर्स रिक्वायर्ड थे आपको? जस्ट 150 इंटीजर्स के लिए बाइट्स कितने रिक्वायर्ड थे? 300 बाइट। तो 300 बाइट के रिस्पेक्ट में सपोज दैट डायरेक्टली एरे क्रिएट करके इस केस मैंने कॉल क्या कराया? सम मैलॉक फंक्शन। और मैलॉक के अंदर सप्लाई क्या करते हैं? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाइट्स। टोटल डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे 300 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं, देन इस केस में जस्ट कॉल क्या करा लिया? मैलॉक। जैसे इस केस में मैलॉक फंक्शन कॉल होगा, मैलॉक इमीडिएटली कितने बाइट्स रिजर्व करेगा इस केस में? 300 बाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, आप इस केस में श्योर हो लॉजिकली मिस स्टेटमेंट 50 के बाद आपको स्पेस कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इमीडिएटली आफ्टर स्टेटमेंट 50 जस्ट आप परफॉर्म क्या करा लोगे? डी एलोकेशन बाय यूजिंग फ्री फंक्शन। तो इस केस में स्टेटमेंट 50 के जस्ट बाद इस प्लेस पर आप कॉल क्या कर सकते हो? जस्ट फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन इस प्लेस का आप पॉइंटर पास करो पी। क्लियर? जस्ट बेसिक आइडिया है। पी क्या इसके इसमें डजंट मैटर। मीन्स इस फ्री फंक्शन के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या हो जाएगा? डी एलोकेशन फॉर दैट प्लेस। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इसका ब्लॉक से कोई भी रिलेशन नहीं। मीन्स एनी टाइम मैनुअली आपके लिए एलोकेशन करना भी पॉसिबल है और एनी टाइम मैनुअली आपके लिए डी एलोकेशन परफॉर्म कराना भी पॉसिबल है। मैनुअली मीन्स
बाई कॉलिंग फ्री फंक्शन। जैसे आप फ्री फंक्शन कॉल करो, चाहे आप मिडिल में कॉल करो या एंड में कॉल करो या बिगनिंग में कॉल करो, जैसे ही फ्री फंक्शन कॉल होगा इमीडिएटली परफॉर्म क्या हो जाएगा, जस्ट डी एलोकेशन। तो चेक कर सकते हैं इस केस में स्टेटमेंट 50 के बाद स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में रिजर्व्ड स्पेस कितना था 300 और फ्री स्पेस कितना था 100 बाइट्स। लेकिन करेंटली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन केस में आफ्टर स्टेटमेंट 50 आपके पास अगेन अवेलेबल स्पेस कितना है 400 बाइट्स, मीन्स होल ब्लॉक कैसा है फ्री। नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट 100 के बाद अगर आप फिर से कोई एलोकेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं लाइक इस केस में कितने बाइट्स क्रिएट होंगे 400 बाइट्स, तो चेक कर सकते हो इस केस में 400 बाइट्स अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है। मीन्स एट एनी टाइम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपके लिए एलोकेशन भी पॉसिबल प्लस डी एलोकेशन भी पॉसिबल। दिस इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, मीन्स मेमोरी एलोकेशन किसी भी टाइम पर परफॉर्म कराना पॉसिबल, सेम एज मेमोरी डी एलोकेशन भी किसी भी टाइम पर परफॉर्म करना पॉसिबल होगा। नेक्स्ट ना फाइनली वन बाई वन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस, सॉरी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड प्रोसेस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस केस में भी बोला था, अगर आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस क्लियर है ना, आपके लिए डायनेमिकली इजी स्टेप्स में समझना पॉसिबल हुआ। मीन्स आपके लिए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट केस क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स यूजफुल केस क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट केस क्या है आपके, प्रोसेस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इस केस में आपके लिए बिगेस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट क्या है, कंपाइल टाइम एलोकेशन। जस्ट आपसे इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मेरा बेसिक क्वेश्चन है, Whenever memory space is allocated statically, whenever memory space is allocated dynamically. Means अगर आप static memory allocation perform करा रहे हैं, तो ये allocation किस time में perform होगा? During compilation और during executions. दो केस हैं आपके पास, static memory allocation and dynamic memory allocations. जस्ट मैं बात कर रहा हूँ मीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में मेमोरी स्पेस कब एलोकेट होता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग कंपाइलेशन। टू ऑप्शंस हैं, ड्यूरिंग कंपाइलेशन एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सेम एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन केस में सेम क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, मीन वेन एवर मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड डायनेमिकली, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब परफॉर्म होता है, मीन ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। देन मोस्ट ऑफ केसेस में आपके आंसर्स क्या रहते हैं इस केस में, इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन सिंपली इसका अदर नेम क्या है, ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एलोकेशन। देन इमीडिएटली आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मीन्स इस केस में अगर इसका नेम कंपाइल टाइम एलोकेशन है, इसका मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी स्पेस कब एलोकेट होगा, ड्यूरिंग कंपाइलेशन। सिमिलरली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का दूसरा नेम क्या है, अदर नेम क्या है, रन टाइम एलोकेशन। देन इमीडिएटली आपके माइंड में सेट होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम एलोकेशन, मीन्स कंप्लीटली रॉन्ग। स्पेशली याद रखना इसे थ्योरी कंप्लीटली कैसा रॉन्ग, मीन्स ऐसा नहीं कि मैं मैन्युअली खुद से बोल रहा हूँ आप मान लोगे, जस्ट सब कुछ अभी इसको डायग्राम्स के थ्रू मैं प्रूव भी करूंगा। मीन्स दोनों ही केसेस में, चाहे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का केस हो या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का केस हो, रियल मेमोरी एलोकेशन दोनों ही प्रोसेस में कब परफॉर्म था, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नॉट अ कंपाइलेशन। मीन्स कंपाइल टाइम पर कभी भी कोई मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होता, जस्ट कंपाइलेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है एक बार आप अपने आपको रिमाइंड करो, व्हाट इज मीन बाय कंपाइलेशन। कंपाइलेशन इज जस्ट सिंपली प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। मीन्स अगर आपके पास किसी भी प्रोग्राम का सोर्स कोड अवेलेबल है, इस सोर्स कोड को कंपाइल कोड और मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए और एग्जीक्यूटिव कोड में ट्रांसलेट करने के लिए रिक्वायर्ड प्रोसेस क्या है, जस्ट कंपाइलेशन। इस कंपाइलेशन का जस्ट मीनिंग पर्पज क्या रहता है, सॉरी कंपाइलेशन का बेसिक पर्पज क्या है, ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड इनटू इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटिव कोड और कंपाइल कोड नॉट अ एलोकेशन। मीन्स कंपाइलर कभी भी कोई मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं करता, कंपाइलर का जस्ट वर्किंग क्या है, ट्रांसलेशन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटर। देन मीन्स फिर भी आपके माइंड में क्या सेट रहता है, कंपाइलर। मीन्स इस केस में अगर कंपाइल टाइम पर एलोकेशन परफॉर्म हो रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं सी लैंग्वेज के केसेस में ही ऑलरेडी सी लाइब्रेरी के अंदर नियर अबाउट मीन्स 1000 प्लस फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो क्या सभी फंक्शन के केस में मीन्स कंपाइल कोड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मीन्स ये फंक्शंस किस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंपाइल कोड, तो इसका मतलब क्या सभी फंक्शन के लिए मेमोरी स्पेस रिजर्व्ड है, नेवर पॉसिबल, क्लियर। मीन्स मेमोरी स्पेस एलोकेशन चाहे स्टैटिक का केस हो डायनेमिक का केस हो, दोनों केसेस में स्पेस कब एलोकेट होगा,
execution time or run time, then why this process is known as compile time allocation. This is the biggest question. Clear? This questions ko just clear karne ke liye main pehle process explain karunga, then aapke liye khud hi samajhna possible hoga. Dono hi cases mein run time par allocation perform kis type se ho raha. First one, static memory allocation. Just two process in this case mein. इसे सबसे पहले किसी भी वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होने से पहले पहले एलोकेशन इंफॉर्मेशन फिक्स्ड होता है, देन एलोकेशन परफॉर्म होता है. इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केसेस में मेमोरी एलोकेशन कब परफॉर्म हुआ? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. लेकिन एलोकेशन इंफॉर्मेशन कब डिसाइड होता है? ड्यूरिंग कंपाइलेशंस. इसे एलोकेशन इंफॉर्मेशन कब फिक्स होगा? ड्यूरिंग कंपाइलेशंस. जस्ट इसके लिए मैं डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल टेबल, देन होल प्रोसेस आप लिए क्लियरली समझना पॉसिबल. फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है मेरे पास, समथिंग प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज. दिस इज द 16 बिट सी कंपाइलर. क्लियर? 16 बिट सी कंपाइलर. इस केस में मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया लाइक टू वेरिएबल्स. काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम हुआ आपके लिए. इसे इस प्रोग्राम में मैंने टू वेरिएबल्स क्रिएट किए, कैर एक्स इंटीजर वाई. करेंटली प्रोग्राम किसका? दिस इज द प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज. प्लस ये प्रोग्राम किस कंपाइलर के रिस्पेक्ट में क्रिएट हुआ है? 16 बिट सी कंपाइलर. क्लियर? ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इस केस में जब एक्स वाई के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ तो एक्स और वाई के लिए मेमोरी स्पेस का एलोकेट हुआ ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. लेकिन किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? कंपाइलर का या ऑपरेटिंग सिस्टम का? कंपाइलर इज नथिंग बट सिंपली ट्रांसलेटर. इस कंपाइलर कभी भी कोई अदर टास्क परफॉर्म नहीं करता अदर देन ट्रांसलेटिंग. इस कंपाइलर का टास्क क्या है? जस्ट सोर्स कोड को कंपाइल कोड में ट्रांसलेट करना या मशीन कोड में ट्रांसलेट करना. देन फाइनली वेरिएबल्स के लिए स्पेस कौन एलोकेट करेगा? मीन्स स्पेस एलोकेट कब हुआ? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. और किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड किस फॉर्मेट होते हैं? मशीन कोड. नथिंग बट मीन्स इस केस में मशीन कोड इंपोर्टेंट केस नहीं. मीन्स फाइनली जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा किस प्रोग्राम के लिए? मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम पर वेरिएबल के लिए एलोकेशन भी परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? सिमिलरली फाइनली सपोज दैट आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड अवेलेबल है. फर्स्ट वन दिस इज द सी प्रोग्राम समथिंग ए डॉट सी. प्लस ए प्रोग्राम किस कंपाइलर के थ्रू कंपाइल हो रहा है? यूजिंग 16 बिट सी कंपाइलर. वन मोर सी प्रोग्राम अगेन मैंने फिर से क्रिएट क्या किया? अदर सी प्रोग्राम समथिंग बी डॉट सी. लेकिन इस केस में प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें या चाहो तो इस केस में प्रोग्राम का नेम मैं सेम यूज करूँ ए डॉट सी. लेकिन इस केस में कंपाइलर टाइप का दिस इज 32 बिट सी कंपाइलर. अगेन सी कंपाइलर. क्लियर? इस केस में मैंने अगेन टू वेरिएबल्स क्रिएट किए, कैर एक्स इस कैरेक्टर एक्स इंटीजर वाई. ये दोनों ही प्रोग्राम किसके हैं? सी लैंग्वेज के. वन मोर केस दिस इज द जावा प्रोग्राम. इस केस में प्रोग्राम किस टाइप का है? द जावा प्रोग्राम. क्लियर? जावा प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया हुआ जावा कंपाइलर फॉर ट्रांसलेशन पर्पज. क्लियर? जावा प्रोग्राम के जैसे मैंने क्रिएट किया वेरिएबल एक्स कैरेक्टर टाइप एंड वेरिएबल वाई इंटीजर टाइप. क्लियर? अब क्वेश्चन है इस केस में चाहे आप 16 बिट सी प्रोग्राम कंपाइल एग्जीक्यूट कराओ या 32 बिट कंपाइल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो या फिर जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करो, सारे के सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में बिगेस्ट कन्फ्यूजन क्या इस प्लेस पर? जब ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या करेगा? मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल एक्स एंड मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल वाई. क्लियर? इसे एलोकेशन किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है? यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा किस वेरिएबल के लिए कितने बाइट्स एलोकेट करना? रीजन करेंटली प्रोग्राम कोड अवेलेबल किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड. लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन किस फॉर्म में होता है? सोर्स कोड के फॉर्म में, मशीन कोड के फॉर्म में? मशीन कोड के फॉर्म में. क्लियरली सपोज दैट इस केस में आपने प्रोग्राम सेंड किया, इन आपको पता होगा मीन्स रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड. तो इस केस में एग्जीक्यूटेबल कोड ट्रांसलेट करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हुआ? जस्ट कंपाइलेशन. कंपाइलेशन में फर्स्ट केस में क्रिएट किया जाएगा समथिंग सम फाइल ए डॉट ई एक्स और वाट एवर. इस फाइल के अंदर मीन दिस कंपाइल कोड. इस कोर्स में इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में? मशीन कोड के फॉर्म में. सेम एज इन दैट केस, इस केस में कंपाइलेशन के बाद क्या क्रिएट होगा?
ऑल्सो exe फाइल, इस फाइल में भी स्टोर किया अगेन मशीन कोड, क्लियर। अगेन इस फाइल में क्या मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, सेम है जावा के केस में कंपाइलेशन के बाद जो फाइल क्रिएट हुआ है कंपाइल कोड क्रिएट हुआ, ये कंपाइल कोड किस फॉर्मेट में, मशीन कोड, मशीन कोड और मशीन लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज सिम्बॉल्स, क्लियर। अब क्वेश्चन है इस केस में जब इस मशीन कोड को आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सप्लाई करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में आए, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड, देन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ कैसे डिसाइड करेगा मशीन कोड जावा का है या सी का है या सी प्लस प्लस का है, 16-bit सी कंपाइलर का या 32-bit सी कंपाइलर का, सिंपल केस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट है लाइक दैट, दिस इज क्लास, क्लियर, सम स्टेटमेंट लाइक दिस इज क्लास, लेकिन इसे स्टेटमेंट का उन्होंने ट्रांसलेशन किससे किया है, फ्रॉम हिंदी, इसे इनिशियली स्टेटमेंट किस फॉर्म में था, हिंदी के फॉर्म में, प्लस मीन्स हिंदी के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हो इस केस में स्टेटमेंट क्या है, यह क्लास है। सिमिलरली सेम स्टेटमेंट अवेलेबल किस फॉर्म में, सम अदर लैंग्वेज लाइक तेलुगु, सेम है, सेम स्टेटमेंट अवेलेबल किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ समथिंग चाइनीज लाइक दैट, मीन्स आपके पास चाइनीज और तेलुगु और हिंदी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेम स्टेटमेंट अवेलेबल, मीन्स सेम स्टेटमेंट अवेलेबल किस फॉर्म, इन द फॉर्म हिंदी तेलुगु तमिल लाइक दैट, देन फाइनली से स्टेटमेंट को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के बाद सभी के समय इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा है, सेम, दिस इज क्लास। अब क्वेश्चन है कि इस केस में अगर मीन्स पर्टिकुलर स्टेटमेंट सप्लाई किसके लिए कर रहा है, सम पर्सन, इस पर्सन के लिए नॉन लैंग्वेज क्या है, मीन्स कोई पर्सन है इस पर्सन के लिए नॉन लैंग्वेज क्या है, ओनली इंग्लिश, तो इस पर्सन के लिए मीन्स कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट किस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, इंग्लिश के फॉर्म में, क्लियर, इंग्लिश के फॉर्म में रिक्वायर्ड करना, ये हिंदी स्टेटमेंट या तेलुगु स्टेटमेंट चाइनीज स्टेटमेंट ट्रांसलेट किस में होगा, पहले इंग्लिश के फॉर्म में, देन इस पर्सन के लिए इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट करना पॉसिबल, लेकिन प्रॉब्लम है मीन्स इस केस में इंटरप्रेट करना पॉसिबल है, लेकिन सपोज दैट इस केस में इस स्टेटमेंट के लिए सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स लैंग्वेज, हिंदी, सेम एज सेकेंड केस में सेम स्टेटमेंट के लिए सोर्स लैंग्वेज क्या है, तेलुगु, सेम है सेम स्टेटमेंट के लिए सोर्स लैंग्वेज क्या है, लाइक सोर्स मीन्स जिस फॉर्मेट में राइट, इनिशियली किस फॉर्म में था, हिंदी तेलुगु तमिल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, देन फाइनली ट्रांसलेशन किस में हुआ, इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, देन इस पर्सन के लिए इंग्लिश इजिली इंटरप्रेट करना पॉसिबल, देयर इज नो डिफिकल्टीज, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फाइनली मैं आपके लिए क्वेश्चन कैरी कर रहा हूँ इस केस में, सपोज दैट अगर इन सोर्स लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन मैं रिमूव करता हूँ, क्लियर, फाइनली सभी केस में इसका ट्रांसलेशन क्या था, दिस इज क्लास मीन्स इंग्लिश फॉर्मेट, अब बताओ इस केस में इस पर्सन के लिए फाइंड आउट करना पॉसिबल है स्टेटमेंट हिंदी से ट्रांसलेट हुआ या इंग्लिश से हिंदी से ट्रांसलेट हुआ या चाइनीज से ट्रांसलेट हुआ तेलुगु से ट्रांसलेट हुआ, दिस इज द कन्फ्यूजन फॉर दैट पर्सन, मीन्स इस पर्सन के लिए स्टेटमेंट समझना पॉसिबल, देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस पर्सन के लिए फाइंड आउट करना पॉसिबल स्टेटमेंट इनिशियली इसका सोर्स लैंग्वेज या सोर्स टाइप क्या था, हिंदी या तमिल या चाइनीज, देयर इज नो सच इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस फिर भी इस पर्सन के लिए स्टेटमेंट इंटरप्रेट करना पॉसिबल है, क्लियर। सेम प्रॉब्लम किस केस में, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या पर्सन को कंपेयर कर सकते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस दिस इज क्लास को आप कंपेयर कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में, जिस तरह से इस पर्सन के लिए इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में रिक्वायर्ड थे, इंग्लिश के फॉर्म में, सेम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में रिक्वायर्ड, मशीन कोड और एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, जिस तरह से इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, जिस तरह से सी लैंग्वेज है, सिमिलरली मशीन कोड भी अपने आप में क्या लाइक अ लैंग्वेज, इट इज अ OS understandable language, clear? इसे operating system के लिए only required language क्या है, required instructions क्या है, in the form of machine level language. इसे इस instructions को consider करो as a machine level language, like that. अब problem क्या है इसके समय, इसे जिस तरह इस person के लिए तो find out करना possible, इसे English statement interpret करना possible हो रहा, लेकिन इसका source find out करना possible नहीं. Similarly, जब ये different different programs के machine code आप operating system के लिए send करोगे, तो operating system के लिए code execute करना possible है, क्योंकि इसके लिए required format क्या था, just machine code और executable code. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पता करना पॉसिबल है कि कोड सी लैंग्वेज का था या 16-bit सी कंपाइलर का था या 32-bit सी कंपाइलर का था या फिर जावा कंपाइलर का था, देयर इज नो सच इन्फॉर्मेशन. अगर इस केस में कन्फ्यूजन हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस से आप ऑब्जर्व करो,
मिसे पर्टिकुलर दिस इज क्लास है, मिसे इंग्लिश स्टेटमेंट हिंदी से ट्रांसलेट हुआ है, तेलुगु से ट्रांसलेट हुआ है, चाइनीज से ट्रांसलेट हुआ है, इसका इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के लिए आपके लिए भी फाइंड आउट करना पॉसिबल है। अगर आपसे ही मैं क्वेश्चन करता हूँ स्टेटमेंट किसी अदर लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है फाइंड आउट करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल, लेकिन इसका मीनिंग समझना पॉसिबल है कि नहीं, मीनिंग समझना पॉसिबल सेम है इन केस ऑफ दैट प्रोसेस। केस में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशीन कोड को रीड करना पॉसिबल प्लस इंटरप्रेट करना पॉसिबल प्लस एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सोर्स टाइप कभी भी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं, मीन्स लैंग्वेज किस प्लेस से ट्रांसलेट हुआ है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेशन तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता कैसे लगेगा कि एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट करना है, वाई के लिए कितने बाइट्स एलोकेट करना है। रीजन अगर 16 बिट सी कंपाइलर में बात करें तो मीन्स दिस इज अ 16 बिट सी कंपाइलर, एक्स की बात करें एक्स का टाइप क्या कैरेक्टर, तो कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होते हैं 1 बाइट्स। सेम एज इंटीजर, इंटीजर के रिस्पेक्ट में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे 2 बाइट्स, क्लियर। इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर सिमिलरली 32 बिट सी कंपाइलर के केस बात करें कैरेक्टर का साइज क्या है 1 बाइट, लेकिन 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या है 2 बाइट और 4 बाइट 4 बाइट्स। सेम एज जावा प्रोग्राम के केस बात करें, जावा के केस में कंपाइलर आप कोई सा भी यूज करो कैरेक्टर का साइज क्या है 2 बाइट्स एंड इंटीरियर का साइज क्या 4 बाइट्स, क्लियर। दिस इज द प्रॉब्लम, इस केस में प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करो इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इस केस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में सेम साइज एलोकेट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट साइज डिफरेंट डिफरेंट साइज। देन अब कुछ नहीं है कि इस केस में जब इस प्रोग्राम को आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोवाइड करो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करने से पहले कन्वर्ट किस फॉर्म हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम इस मशीन कोड के रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल्स के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा, देन इसको कैसे पता चलेगा मशीन कोड सी लैंग्वेज का है या 16 बिट सी कंपाइलर का है 32 बिट सी कंपाइलर का है या फिर जावा का कंपाइल कोड है। मीन सपोज़ेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने सेंड क्या किया मशीन कोड, अब आपकी केस बात कर मैंने यहाँ कोई डायरेक्शन शो नहीं किया, आपके लिए बताना पॉसिबल है मशीन कोड सी लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है जावा से ट्रांसलेट हुआ, देयर इज नो सच इन्फॉर्मेशन। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को यही नहीं पता है कंपाइल कोड किस प्लेस से जनरेट हुआ है इसका सोर्स क्या था, देन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ कैसे डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन मशीन कोड, मीन एक्स के लिए कितने बार एलोकेट करना है वाई के लिए कितने बार एलोकेट करना। रीजन क्योंकि डेटा टाइप का साइज ओएस टू ओएस चेंज हो रहा है या कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज हो रहा है, कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज हो रहा है ना कि ओएस टू ओएस। मीन्स ओएस के रिस्पेक्ट में अगर मीन्स फॉर एग्जांपल डेटा टाइप क्या है इंटीजर और कैरेक्टर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर अगर डिसाइड होता फिर मशीन कोड किसी भी लैंग्वेज का होता इसका साइज फिक्स था, लेकिन इसके इसमें चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में उनके साइज कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट, जबकि सभी केस में मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ सेम ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स की वजह से इनके साइज चेंज होने के चांसेस हैं। अब कुछ नहीं कि ये पर्टिकुलर मशीन कोड जब ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोवाइड होते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेगा किस केस में कितने बाइट्स एलोकेट करना, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइनली इस केस में ए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम तक सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर, मीन्स किस वेरिएबल के लिए कितने बाइट्स एलोकेट करना है ये डिसीजन कौन लेगा कंपाइलर, लेकिन एलोकेशन कौन परफॉर्म करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेशली याद रखना इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किस वेरिएबल्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट करना है डिसीजन कौन लेता है ऑलवेज कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, लेकिन एलोकेशन कौन परफॉर्म करेगा रन टाइम पर ऑलवेज ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ नहीं कि इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम तक अवेलेबल कैसे होता है इस प्रोसेस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जब फर्स्ट सी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के केस में जस्ट यूज क्या हो रहा है 16 बिट सी कंपाइलर, मीन से फाइनली कंपाइलेशन परफॉर्म हो रहा है तो कंपाइलेशन के रिस्पेक्ट में क्रिएट क्या हुआ सम मशीन कोड, ठीक है, मशीन कोड क्रिएट किसके थ्रू हो रहा है 16 बिट सी कंपाइलर, क्लियर। प्लस ये इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में मशीन कोड और वीकेंड से एग्जीक्यूटेबल कोड इंस्ट्रक्शंस। देन कंपाइलर जब इस कोड को कंपाइल करेगा तो कंपाइलर चेक क्या करेगा सिंबल्स, इस प्रोग्राम के अंदर सिंबल्स और वेरिएबल्स कितने देयर आर 2 सिंबल्स, तो सभी सिंबल्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करा रखती है कंपाइल कोड के फॉर्म में। सारे के सारे कंपाइलर एक स्पेशल टेबल क्रिएट करते हैं, इस टेबल का नेम क्या है इटसेल्फ, दिस टेबल इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज सिंबल टेबल, क्लियर। फॉर एवरी कंपाइलेशन कोड और फॉर एवरी कंपाइलर, ये जितने भी कंपाइलर चाहे सी का कंपाइलर हो सी प्लस प्लस का कंपाइलर हो जावा का कंपाइलर हो डॉट नेट का कंपाइलर हो,
कंपाइल टाइम पर ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस कंपाइलर ऑलवेज क्रिएट क्या करते हैं सिंबल टेबल फॉर एवरी प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ कंपाइल कोड. चेक करो सिंबल टेबल किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड और वी कैन से कंपाइल कोड. मीन सिंबल टेबल किस कोड का पार्ट है, सोर्स कोड का पार्ट है, कंपाइल कोड का पार्ट है, कंपाइल कोड. क्लियर. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग सिंबल टेबल. सिंबल टेबल के रिस्पेक्ट में कंपाइलर ऑलवेज स्टोर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिएटेड सिंबल इनसाइड दिस प्रोग्राम. मीन इस केस में जब कोई भी सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेंड हो, देन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा सिंबल इटसेल्फ, वेरिएबल नेम है या फिर फंक्शन नेम है या स्ट्रक्चर नेम है, लाइक दैट. तो इस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मैनेज होंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल टेबल. तो फाइनली सिंबल टेबल के अंदर कई सारे कॉलम्स क्रिएट होते हैं. मैं आपको ऑलरेडी टू कॉलम हाईलाइट कर रहा हूँ, वेरिएबल नेम और वी कैन से सिंबल नेम, वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल साइज. जैसे ही कोड कंपाइल होगा तो इस केस में कंपाइलर के लिए फर्स्ट डिक्लेरेशन क्या सप्लाई हुआ है, वेरिएबल एक्स. इसका डेटा टाइप क्या है, कैर. तो कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में 16 बीट सी कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन क्या फिक्स्ड है, कैरेक्टर के लिए कितने बाइट से होना चाहिए, 1 byte. तो इमीडिएटली इस केस में वेरिएबल नेम के साथ इसका एलोकेशन इन्फॉर्मेशन कितना फिक्स हो जाएगा, 1 byte. क्लियर. सिमिलरली जब सेकेंड स्टेटमेंट कंपाइल होगा तो उसके समय अगेन क्या है, डिक्लेरेशन. जैसे डिक्लेरेशन में नेम क्या है इसका, वाई. तो नेम वाले फील्ड में क्या स्टोर हो जाए, वाई. प्लस इसके लिए साइज इन्फॉर्मेशन कितना फिक्स होगा, जस्ट 2 byte. अब चेक कर सकते हो इसके समय परफॉर्म क्या हुआ, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन, जस्ट कंपाइलेशन. कंपाइल टाइम पर बात करें तो कंपाइल टाइम पर अभी एक्स और वाई के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ है, एलोकेशन इन्फॉर्मेशन डिसाइड हुआ है. ओनली एलोकेशन इन्फॉर्मेशन डिसाइड हुआ, न कि एलोकेशन. मीन्स एक्स के लिए कितने बाइट फिक्स हो चुके हैं, 1 byte. वाई के लिए कितने बाइट फिक्स हो चुके हैं, 2 bytes. प्लस इन्हें इन्फॉर्मेशन को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपाइलर. स्पेशली रखना हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग और डिसाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन, कंपाइलर. क्लियर. अभी मैं एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कोड या सिंबल टेबल किस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड. सेम एज इन सेकंड केस. सेकंड केस में अगेन ऑलमोस्ट सेम सी प्रोग्राम है. नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी अगेन फाउंड क्या हो रहा है, 2 declarations, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई. इस केस में अगेन सेम प्रोग्राम कंपाइल किसके थ्रू हो रहा है, अगेन प्रोग्राम किसका, सेम लैंग्वेज. इस प्रीवियस प्रोग्राम भी सीखा था, ये प्रोग्राम भी किसका, सीखा. लेकिन इस केस में कंपाइलर कौन सा है, 32-bit सी कंपाइलर. जब सेम कोड, मीन सेम सोर्स कोड है, डिफरेंट सेम सोर्स कोड. जब सेम सोर्स कोड 32-bit सी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करोगे, ये कंपाइलर अगेन जनरेट क्या करेगा, मशीन कोड और वी कैन से एग्जीक्यूटेबल कोड. प्लस इसे एग्जीक्यूटेबल कोड स्टोर किस में होगा, exe फाइल में. डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं. इस फाइनली आपको इसका एक्सटेंशन ऑब्जर्व नहीं करना, इस केस में हाईलाइट क्या करना, ओनली सिंबल टेबल. तो अगेन 32-bit सी कंपाइलर से कंपाइल कोड के फॉर्म में या एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्म में क्रिएट क्या करेगा, सिंबल टेबल. अगेन क्रिएट क्या हुआ, सिंबल टेबल. प्लस इस सिंबल टेबल के अंदर भी कई सारे कॉलम्स क्रिएट होंगे, लेकिन मैं हाईलाइट कितने कॉलम्स कर रहा हूँ, ओनली 2 columns. तो फर्स्ट केस में स्टोर क्या हुआ, सिंबल और वेरिएबल नेम. सेकंड कॉलम में असाइन क्या हुआ, सिंबल और वेरिएबल साइज. तो अगेन जब इस सोर्स कोड के स्टेटमेंट 1 by 1 कंपाइल हो, फर्स्ट केस में फाउंड क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्स. तो इस केस में इमीडिएटली एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेटा टाइप चेक करेगा कंपाइलर, और कंपाइलर के लिए डेटा टाइप के मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड है. डेटा टाइप क्या, डेटा टाइप इज नथिंग बट इट इज अ कंपाइल टाइम इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट एनी वेरिएबल साइज. किसी वेरिएबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में सप्लाई होगा, कैरेक्टर्स के फॉर्म टू द कंपाइलर. प्लस ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए, कंपाइलर के लिए. जैसे ही कंपाइलर इसका डेटा टाइप चेक करेगा, इमीडिएटली एक्स के लिए कितने बाइट फिक्स हो जाएंगे सिंबल टेबल में, 1 byte. सेकेंड केस में क्या फाउंड हो रहा है, वाई. वाई का डेटा टाइप क्या है, मीन्स वाई क्या है, सिंबल नेम. लेकिन वाई का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. और 32-bit सी कंपाइलर के लिए इंटीजर का साइज कितना फिक्स्ड है, 2 bytes और 4 bytes. मीन्स दिस इज द प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन. मीन डेटा टाइप का साइज क्या है, वो इंस्ट्रक्शन कैसे है, प्रीडिफाइंड. मीन्स 32-bit सी कंपाइलर के लिए इसका मीनिंग कितना फिक्स है, 4 bytes. तो इस केस में सेम वेरिएबल के लिए 32-bit सी कंपाइलर कितने बाइट डिसाइड करेगा, 2 bytes और 4 bytes. 4 bytes. चेक कर सकते हो दोनों केस में सोर्स कोड सेम है, लेकिन बाइट इन्फॉर्मेशन सेम है, डिफरेंट 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 डिफरेंट. मीन्स किस वेरिएबल के लिए कितने बाइट से एलोकेट होना चाहिए, ये डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है, कंपाइलर ले रहा है, कंपाइलर. किसी भी वेरिएबल का एलोकेशन इन्फॉर्मेशन फिक्स कब हो रहा है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन. लेकिन एक्चुअली एलोकेशन कब परफॉर्म होगा, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. इस टाइप के प्रोसेस को आप नेम दोगे जाए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. प्लस इसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का अदर नेम क्या है, कंपाइल टाइम एलोकेशन. कंपाइल टाइम एलोकेशन का मतलब ये नहीं कि कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हो रहा है,
कंपाइल टाइम पर जस्ट एलोकेशन इंफॉर्मेशन डिसाइड हुआ है, एलोकेशन साइज फिक्स्ड हुआ है, लेकिन एलोकेशन का परफॉर्म हुआ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वन मोर थिंग्स, एक बार कंपाइलर ने किसी वेरिएबल का साइज फिक्स कर दिया, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साइज इंफॉर्मेशन चेंज करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट इज नोन एज स्टैटिक। स्टैटिक का जस्ट अदर मीनिंग क्या रहता है? स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड, मीन्स नॉट चेंजेबल। इसे एलोकेशन एक बार फिक्स हो गया तो इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं, देयरफॉर इट इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्लियर? इसके जस्ट नेम्स कितने? टू नेम्स। सिमिलरली जब जावा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो जावा प्रोग्राम किसके थ्रू कंपाइल हो रहा है? सी कंपाइलर के थ्रू या जावा कंपाइलर के थ्रू? बाई यूजिंग जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर भी क्रिएट क्या करेगा? सम एग्जीक्यूटिवल कोड, प्लस जावा कंपाइलर भी इंटरनली वेरिएबल और सिंबल का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्रिएट क्या करेगा? सिंबल टेबल। अगेन क्रिएट किया हुआ सिंबल टेबल। इस सिंबल टेबल के अंदर प्लस यार रखने, सिंबल टेबल किस फॉर्म में? सोर्स कोड के फॉर्म में या कंपाइल कोड के फॉर्म में? कंपाइल कोड के फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ exe फाइल और मे बी डॉट क्लास फाइल, लाइक दैट। इन दैट केस फर्स्ट केस में आसानी क्या हो जाएगा? सिंबल नेम। सेकेंड कॉलम में आसानी क्या हो जाएगा? सिंबल वैल्यू। इसके अलावा भी कई सारे कॉलम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको ओनली टू कॉलम ही हाईलाइट कर रहा हूँ। इस केस में फर्स्ट केस में वेरिएबल नेम क्या है? x। लेकिन इसका साइज कितना डिसाइड होगा कैरेक्टर के बेस पर? जावा कंपाइलर के लिए कैरेक्टर साइज कितना फिक्स्ड है? 2 bytes। इसलिए जावा कंपाइलर सेम वेरिएबल के लिए कितने बाइट डिसाइड करेगा? 2 bytes। सेम है सेकंड केस में क्या है? वेरिएबल y कितने बाइट डिसाइड होंगे? 4 bytes। नेक्स्ट वन, फाइनली इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंपाइल कोड। वन मोर थिंग्स, अब इस कोड को एग्जीक्यूट कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज दैट अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं इसका सोर्स कोड रिमूव कर देता हूं, जैसे प्रीवियस केस मैंने क्रिएट क्या किया था? इंग्लिश स्टेटमेंट दिस इज क्लास। क्लियर? देन इस स्टेटमेंट सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया हिंदी इंग्लिश लाइक दैट। अगर आपका से इनिशियल इन्फॉर्मेशन था हिंदी, देन आपको बताना पॉसिबल था कोड हिंदी से ट्रांसलेट हुआ है, बट सपोज दैट मैंने ये इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दिया, देन बताना पॉसिबल था? नॉट पॉसिबल। लेकिन इस केस में सेम एज इन दैट केस, इस केस में भी अब फाइनली आपका से इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में? मशीन कोड और एग्जीक्यूटिवल कोड। प्लस अब इस कोड को देख के बताना पॉसिबल है कोड सी लैंग्वेज का कंपाइल कोड है, सी प्लस प्लस का कंपाइल कोड है, या फिर जावा कंपाइल कोड है। मिसेस इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। जब ये कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सप्लाई हुआ, सपोज है फर्स्ट वन, अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फर्स्ट मशीन कोड और एग्जीक्यूटिवल कोड सप्लाई किया, फर्स्ट केस में ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस इंस्ट्रक्शन को और सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करें, मिसेस तीनों ही केसेस में सोर्स कोड क्या था? कैर एक्स और int y। सपोज दैट जब इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करे, मैं आपको फिजिकली किस फॉर्म में शो कर रहा हूँ? सोर्स कोड के फॉर्म में। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सेम स्टेटमेंट कंपाइल कोड के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, इन द फॉर्म ऑफ exe कोड। क्लियर? जब ऑपरेटिंग सिस्टम 1x1 इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो फर्स्ट केस में क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन x, x के रिस्पेक्ट में कितने बाइट एलोकेट करना है इस डिसीजन को परफॉर्म करने, या ये इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इमीडिएटली इंटैक्ट किससे हुआ? करेस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल। और इस सिंबल टेबल के अंदर x का साइज कितना फिक्स्ड है? 1 byte। इस केस में x के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बाइट एलोकेट करेगा? जस्ट 1 byte। सेम है सेकेंड डिक्लेरेशन क्या y, तो y का भी इन्फॉर्मेशन रीड किस प्लेस करे? फ्रॉम सिंबल टेबल। सिंबल टेबल के अंदर कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन है कि ये वेरिएबल इंटीरियर टाइप का है कैरेक्टर टाइप का? देयर इज नो सच इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास डेटा टाइप से रिलेटेड कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं होता, इसलिए डेटा टाइप क्या है? जस्ट इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर और जस्ट कंपाइल टाइम इन्फॉर्मेशन। मीन्स डेटा टाइप का एग्जीक्यूशन टाइम पर कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। एग्जीक्यूशन टाइम पर जस्ट रिक्वायर्ड क्या? साइज ऑफ वेरिएबल। साइज किस फॉर्म में फाउंड हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ सिंबल टेबल। नेक्स्ट टाइम वेरिएबल वाई का साइज कितना फाउंड हो रहा है सिंबल टेबल के अंदर? जस्ट 2 byte। वाई के रिस्पेक्ट में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बाइट्स एलोकेट करेगा? जस्ट 2 bytes। मीन्स अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता ये कोड 16-bit सी कंपाइलर ने जनरेट किया, 32-bit सी कंपाइलर ने जनरेट किया, जावा कंपाइलर ने जनरेट किया, फिर भी इसके लिए एलोकेशन परफॉर्म करना पॉसिबल। सेम है अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेकेंड केस में आप एग्जीक्यूटिवल कोड सप्लाई करो, अगर इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में? एग्जीक्यूटिवल कोड। तो इस केस में इंस्ट्रक्शन सेम थे, फर्स्ट केस में क्या डिक्लेरेशन एक्स, तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक्स के लिए साइज एलोकेट करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट किससे हुआ? करेस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल। और सिंबल टेबल के अंदर एक्स का साइज कितना फिक्स्ड है? 1 byte। तो इस केस में एक्स के लिए कितने बाइट एलोकेट होंगे? ओनली 1 byte। सेम है जब y के लिए स्पेस एलोकेट कर, तो y के लिए अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट किससे हुआ? करेस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में y का इन्फॉर्मेशन क्या? 4 byte। तो इसके y के लिए कितने bytes एलोकेट हो जाएंगे? जस्ट 4 bytes। क्लियर? मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस वेरिएबल के लिए कितने बाइट एलोकेट करता है, डिसीजन डेटा टाइप्स के बेस पर आएगा, सिंबल टेबल के बेस पर आएगा, बेस्ड ऑन सिंबल टेबल। प्लस सिंबल टेबल किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ सोर्स कोड और पार्ट ऑफ कंपाइल कोड, पार्ट ऑफ
कंपाइल कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा प्रोसेस क्या करता है, सोर्स कोड और कंपाइल कोड। कंपाइल कोड मीन्स कंपाइल कोड में डेटा किसी वेरिएबल का साइज इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में सप्लाई होता है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल टेबल। सेम है जब जावा का कंपाइल कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सप्लाई हुआ तो किस वे मीन्स अगेन इस कंपाइल सोर्स कोड के अंदर जावा के सोर्स कोड में कितने वेरिएबल्स थे, टू, एक्स और वाई। जब वेरिएबल एक्स क्रिएट होगा तो एक्स के लिए कितने बाइट एलोकेट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट किससे हुआ, करेस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में एक्स के लिए कितने बाइट फाउंड हो रहे हैं, टू बाइट्स। इसका डेटा टाइप क्या है, डजंट मैटर, सिंपली रीड क्या कर लेगा, साइज इन्फॉर्मेशन। तो सेम सोर्स कोड के रिस्पेक्ट में, सेम इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में एक्स के लिए जब जावा का कोड सप्लाई हुआ तो जावा के सिंबल टेबल में एक्स का साइज कितना फाउंड हो रहा है, टू बाइट्स। तो इसके में एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, टू, एंड वाई के लिए सिंबल टेबल में कितने बाइट्स फाउंड हो रहा है, फोर बाइट्स। तो इसके में वाई के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, जस्ट फोर बाइट्स। दिस इज द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पेक्ट टू सिंबल टेबल। मीन्स फाइनली मीन्स जस्ट मैं कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग साइज ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की केस में साइज इन्फॉर्मेशन डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जस्ट कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, क्लियर। लेकिन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की केस में एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इन्फॉर्मेशन किस प्लेस पर स्टोर होता है, इनसाइड सिंबल टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इन्फॉर्मेशन स्टोर किस प्लेस पर, जस्ट इनसाइड सिंबल टेबल, क्लियर। नेक्स्ट वन, सिंबल टेबल किसका पार्ट है, सोर्स कोड और कंपाइल कोड, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपाइल कोड, क्लियर। इस टाइप कई सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वन, व्हाई दिस एलोकेशन इज नॉन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मीन्स इस केस में एक बार कंपाइलर ने सिंबल टेबल में किसी वेरिएबल का साइज फिक्स्ड कर दिया, देन ये साइज कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चेंज करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मीन्स ये साइज इन्फॉर्मेशन कैसा है, चेंजेबल और फिक्स्ड, फिक्स्ड। मीन्स अगर आप सेम कोड, मीन्स जैसे मैंने फर्स्ट ईयर डायग्राम क्रिएट किया, इस कोड को मैं वन टाइम एग्जीक्यूट करूँ, मैं थाउजेंड टाइम एग्जीक्यूट करूँ, एवरी टाइम एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, वन बाइट, और वाई के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, टू बाइट। क्योंकि सिंबल टेबल बार बार क्रिएट हुआ क्या, नहीं, ओनली वन टाइम्स। अगर आपने प्रोग्राम एक बार कंपाइल किया फिर उसको वन टाइम एग्जीक्यूट हुआ, थाउजेंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ, सिंबल टेबल सेम रहेगा, इसलिए इन्फॉर्मेशन कैसा है, फिक्स्ड। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की केस में बात करें, इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन इन्फॉर्मेशन कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एलोकेशन भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेशली याद रखना, इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट, जस्ट आप मेनली इसको नोट कर लेना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग साइज ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इन केस ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, साइज फिक्स करने के लिए, डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर। इन विच टाइम, ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग कंपाइलेशन, देयरफॉर इट इज नॉन एज कंपाइल टाइम एलोकेशन। नेक्स्ट केस, इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में एलोकेशन इन्फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा, जस्ट कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग रन टाइम। इस वजह से, इस प्रोसेस की वजह से, जस्ट स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का दूसरा नेम क्या है, कंपाइल टाइम एलोकेशन, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का दूसरा नेम क्या है, रन टाइम एलोकेशन। मीन्स ये पर्टिकुलर नेम डिसाइड किसके बेस पर, बेस्ड ऑन एलोकेशन और बेस्ड ऑन फिक्सिंग साइज और डिसाइड डिसीजन। मीन्स इस केस में एलोकेशन का परफॉर्म हुआ, एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन का परफॉर्म हो रहा है, इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में एलोकेशन किसके थ्रू परफॉर्म हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और वी कैन से ड्यूरिंग रन टाइम। एलोकेशन का परफॉर्म हुआ रन टाइम पर, इस केस में एलोकेशन का परफॉर्म हुआ रन टाइम, दोनों ही केसेस में मेमोरी एलोकेशन का परफॉर्म हुआ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग रन टाइम बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एलोकेशन इन्फॉर्मेशन कब डिसाइड हो रहा है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर एलोकेशन इन्फॉर्मेशन
कंपाइल टाइम बाय डिसाइड होता है, देन इसका टाइप क्या हो, कंपाइल टाइम एलोकेशन। अगर एलोकेशन इंफॉर्मेशन रन टाइम बाय डिसाइड होता है, देन इसका टाइप क्या हुआ, रन टाइम एलोकेशन। इसे यार नेम से कंफ्यूजन, नेम अगर कंपाइल टाइम एलोकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपाइल टाइम पर एलोकेशन हुआ, कंपाइल टाइम पर एलोकेशन इंफॉर्मेशन डिसाइड हुआ। अगर एलोकेशन इंफॉर्मेशन कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो रहा है, देन कंपाइल टाइम एलोकेशन, और एलोकेशन इंफॉर्मेशन अगर एग्जीक्यूशन टाइम पर डिसाइड हो रहा है, देन रन टाइम एलोकेशन। कंपाइल टाइम पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑलवेज कंपाइलर। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपाइलर। सेम है रन टाइम पर और एग्जीक्यूशन टाइम पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इस केस में जस्ट डिसीजन कौन लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन टाइम पर कौन परफॉर्म करेगा, रन टाइम। इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में सिंपली एलोकेशन इन्फॉर्मेशन भी रन टाइम पर डिसाइड होगा और एलोकेशन साइज भी रन टाइम पर डिसाइड होगा। जस्ट बेसिक आइडिया आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन केस ऑफ गिवन केस इंटीजर एक्स, यहाँ एक्स का टाइप क्या है, इंटीजर। तो इस केस में एक्स के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, जस्ट 2 बाइट्स। इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर, लेकिन ये डिसीजन किसके बेस पे लिया, जस्ट डेटा टाइप। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे यूजिंग मेलॉक कैलॉक और रियलॉक फंक्शन। अगर मेलॉक में मैंने 2 सप्लाई किया था, कितने बाइट्स एलोकेट करेगा, 2 बाइट्स। मेलॉक के केस में अगर मैंने 4 सप्लाई किया था, कितने बाइट्स एलोकेट करेगा, 4 बाइट्स। सेम है मेलॉक के अंदर अगर मैंने n सप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर n, और n के केस में आसान क्या कराया, 2, n का वैल्यू क्या 2। मेलॉक में अगर मैंने n पास किया, तो इस केस में कितने बाइट्स एलो, n का वैल्यू 2, तो मेलॉक कितने बाइट्स एलोकेट करेगा, 2 बाइट्स। बट सपोज दैट n का वैल्यू मैं अगर scanf फंक्शन के थ्रू रीड करता हूँ यूजिंग scanf एड्रेस ऑफ n, अब आपके लिए किसी भी पर्सन के लिए बताना पॉसिबल इस केस में कितने बाइट्स से एलोकेट होंगे। इस फर्स्ट केस में सोर्स कोड देख कर ही आपके लिए बताना पॉसिबल हाउ मेनी बाइट्स गोइंग टू एलोकेटेड, लेकिन सेकंड केस में सोर्स कोड के बेस पर डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। वन मोर मीन्स स्टैटिक और डायनेमिक में दूसरा डिफरेंस क्या है, सिंपल। अगर सोर्स कोड के बेसिस पर कुछ भी डिसाइड करना पॉसिबल है, देन स्टैटिक। अगर सोर्स कोड के बेस पर डिसाइड करना पॉसिबल, देन डायनेमिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सी प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ लाइक दैट वॉइड मैन, जस्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक और डायनेमिक प्रोसेस, नॉट अ मेमोरी एलोकेशन, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। और इसके मैंने राइट किया इंटीजर एक्स, क्लियर, एंड एक्स इक्वल्स टू इंटीजर एक्स, एक्स इक्वल्स टू 5, देन प्रिंट एफ परसेंट डी वैल्यू ऑफ एक्स। इस केस में आपके लिए बताना पॉसिबल इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ये सोर्स कोड अवेलेबल, सोर्स कोड देखकर ही आपके लिए बताना पॉसिबल इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, जस्ट 5। इस प्रोग्राम का वन टाइम एग्जीक्यूट करो या 1000 टाइम एग्जीक्यूट करो, इसका आउटपुट फिक्स्ड है, चेंजेबल है। एवरी टाइम इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 5, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, 5। देन इसका बिहेवियर कैसा, करेंटली स्टैटिक और डायनेमिक, जस्ट स्टैटिक। दूसरा केस एक्स में डायरेक्टली 5 असाइन करके इस प्लेस पर मैं जस्ट यूज किया करता हूँ scanf, और scanf के केस मैंने जस्ट यूज किया परसेंट ई एड्रेस ऑफ एक्स। अब आपके लिए मेरे लिए किसी भी पर्सन के लिए बताना पॉसिबल इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। जैसे सोर्स कोड के बेसिस पर अगर बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल है, देन इसका टाइप क्या होगा, स्टैटिक बिहेवियर। अगर सोर्स कोड के बेस पर बिहेवियर ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, देन इसका बिहेवियर क्या था, सिंपली डायनेमिक बिहेवियर। सिंपल डिफरेंस क्या है स्टैटिक और डायनेमिक में, अगर सोर्स कोड के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल इस केस में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, देन इसका टाइप क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में हो सकता है सोर्स कोड के बेसिस पर आपके लिए बताना पॉसिबल हो सकता है, बताना पॉसिबल है। इस केस में करेंटली बात कर रहे हैं तो डायनेमिक में इस केस में बताना पॉसिबल है एन का वैल्यू के, जब एन का वैल्यू नहीं बता देना आप कैसे आइडेंटिफाई करो इस केस में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, सपोज दैट फर्स्ट एग्जीक्यूशन के केस में मैंने एन का वैल्यू एंटर किया 2, तो बाइट्स भी मीन इस केस में बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, 2 बाइट्स। सेकेंड एग्जीक्यूशन के केस मैंने एंटर किया 4, तो इस केस में बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, 4 बाइट्स। इस अगर आप इस प्रोग्राम को 1000 टाइम एग्जीक्यूट करो, 1000 टाइम सेम स्पेस एलोकेट होगा, डिफरेंट बाइट्स एंटर करना पॉसिबल है, डिफरेंट बाइट्स एलोकेट कराना पॉसिबल है। फर्स्ट केस में प्रोग्राम वन टाइम एग्जीक्यूट करो या 1000 टाइम एग्जीक्यूट करो, सभी केसेस में ऑलवेज बाइट्स कितने एलोकेट होंगे एक्स के लिए, 2 बाइट्स, मींस ये फिक्स्ड है। देयरफॉर इट इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। दिस बेसिक जस्ट आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करना, इससे आपके लिए एग्जैक्टली समझना पॉसिबल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वन मोर थिंग्स, एरे के केस में मैंने आपके साथ एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, इन केस ऑफ एरे, एरे का जब आप साइज प्रोवाइड करते हो, साइज क्या समझिए, शुड बी
कॉन्स्टेंट और इंटीजर कॉन्स्टेंट, सपोज स्टेट अगर मैंने स्पेस पर कोई वेरिएबल यूज किया n और n का वैल्यू क्या है 5, देन एरे के केस में साइज के प्लेस पर कभी वेरिएबल यूज करना पॉसिबल है, स्टेटमेंट कैसा था इनवैलिड, लेकिन उस टाइम पर मेरे लिए लॉजिकली बताना पॉसिबल था स्टेटमेंट इनवैलिड क्यों, लेकिन करंटली मैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मेरे लिए ऑब्जर्व बताना पॉसिबल में से पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनवैलिड क्यों। सिंपल केस है, सपोज दैट इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में अगर ये प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूँ स्टेटमेंट वैलिड है, देन जब इस कोड को आप कंपाइल करो तो कंपाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपाइलर, प्लस ऑलरेडी जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था कंपाइल टाइम पर क्रिएट किया हुआ एग्जीक्यूटिव कोड और मशीन कोड, प्लस इस कोड के रिस्पेक्ट में कंपाइलर क्रिएट क्या करेगा सिम्बॉल टेबल, सिम्बॉल टेबल के रिस्पेक्ट में जस्ट स्टोर क्या होता है टू इंफॉर्मेशन, वेरिएबल नेम वेरिएबल साइज, क्लियर। नेम के रिस्पेक्ट में बात करें फर्स्ट केस में वेरिएबल नेम क्या है जस्ट वेरिएबल नेम इज एन और वेरिएबल का साइज क्या है 2 bytes इन केस ऑफ सिम्बॉल टेबल, क्लियर। नेक्स्ट केस सेकेंड स्टेटमेंट जब कंपाइल हुआ तो उस केस में वेरिएबल का नेम क्या है जस्ट ए, क्लियर, लेकिन वेरिएबल का साइज बताना पॉसिबल है वेरिएबल ए का साइज क्या है नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइज के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू आपको तो फिजिकली दिख रहा है लेकिन रियल में वैल्यू एन में कब असाइन हुआ कंपाइल टाइम पर या रन टाइम पर, वैल्यू कब असाइन हुआ जब एन के लिए एलोकेशन हुआ, जब एन के लिए मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर हुआ तो वैल्यू भी कब अवेलेबल होगा एट रन टाइम, और आपको एन का वैल्यू रिक्वायर्ड कब है एट रन टाइम और एट कंपाइल टाइम, एट कंपाइल टाइम जैसे अगर रन टाइम पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन कभी कंपाइल टाइम पर ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे इस केस में एन का वैल्यू रिक्वायर्ड कब है ड्यूरिंग कंपाइलेशन, मीन्स पहले क्या परफॉर्म हुआ कंपाइलेशन देन एग्जीक्यूशन, मीन्स इस प्लेस पर वैल्यू रिक्वायर्ड कब है कंपाइल टाइम, लेकिन अवेलेबल कब हो रहा है एट एग्जीक्यूशन टाइम, जो इन्फॉर्मेशन रन टाइम पर आने वाला है वो कंपाइल टाइम पर किसी के लिए भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, इसलिए इस केस में पर्टिकुलर केस में ए के केस में ए का साइज क्या है वो डिसाइड करना पॉसिबल नहीं। वन मोर टाइप्स अगर इस प्लेस पर 5 आसान करके मैं यूज करता हूँ जस्ट स्कैन ऐप एड्रेस ऑफ एन, अब बताना पॉसिबल है एन का वैल्यू क्या है नॉट पॉसिबल, जब एन का वैल्यू नहीं पता तो फिर ए के लिए कंपाइल टाइम पर कंपाइल कैसे डिसाइड करेगा कितने बाइट्स एलोकेट करना है, इसलिए एरे नेम में कभी भी वेरिएबल सप्लाई करना पॉसिबल नहीं। बट सपोज दैट इस केस में मैंने साइज पास किया 5 क्या कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट वो इन्फॉर्मेशन होते हैं जिनके मीनिंग कंपाइलर के लिए ऑलरेडी फिक्स है, इस कंपाइलर कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में श्योर है, इस केस में 5 पास किया प्लस टाइप क्या इंटीरियर, इंटीरियर का साइज 2 byte और 5 मल्टीप्लाई 2, सिंपली कंपाइलर इस केस में साइज कितना स्टोर कर देगा जस्ट 10 byte, लेकिन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कंपाइलर के लिए डिसाइड करना पॉसिबल नहीं। जस्ट नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा कंप्लीट मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया गया ओनली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, क्लियर। अगर आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस क्लियर है देन नेक्स्ट केस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस काफी डेप्थ में समझना पॉसिबल होगा।